नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और आप देख रहे हैं एक्सेस भारत न्यूज। आइए बढ़ते हैं खास खबर की ओर। 19 मार्च को सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली थी। धमकी मिलने के बाद से ही सलमान के घर के बाहर पुलिस की एक पूरी टुकड़ी देखी गई। सोर्सेस की माने तो इस मामले को लेकर सलमान के घर वाले काफी चिंतित हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान और उनकी टीम को अगले कुछ इवेंट से बचने के लिए कहा गया है। पुलिस प्रशासन ने सलमान के जान के खतरे को देखते हुए उनके शेड्यूल में बदलाव की सिफारिश की है। ई टाइम्स के सोर्सेस के मुताबिक सलमान के घर के आसपास का माहौल काफी गंभीर है। सलमान के घर वालों और उनकी टीम को सलमान के जान की काफी चिंता सता रही है। पुलिस से जुड़े सोर्सेस का कहना है कि सलमान फिलहाल मुंबई से बाहर हैं। उनके आते ही शेड्यूल में बदलाव को लेकर डिस्कशन किया जाएगा। सलमान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान अप्रैल में रिलीज होने वाली है। इसके प्रमोशन को लेकर भी नई प्लानिंग करनी पड़ेगी। ई टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान को धमकी देने के मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और रोहित गर्गे के खिलाफ आईपीसी की धारा 506(2), 120(b) और 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। अभी फिलहाल साइबर सेल आईपी के जरिए धमकी भरे ईमेल भेजने वाले शख्स का नाम और एड्रेस पता लगाने की कोशिश में है। सलमान खान के मैनेजर जॉर्डी पटेल को 19 मार्च को एक ईमेल आया। उस मेल में लिखा था, तेरे बॉस सलमान से गोल्डी बराड़ को बात करनी है। लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू तो सलमान ने देख ही लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो देख ले, उनसे बोलना कि इंटरव्यू जरूर देख ले। मैटर क्लोज करना है तो बात करवा देना, फेस टू फेस बात करना है तो वो भी बता देना। अभी टाइम रहते इन्फॉर्म कर दिया है, अगली बार झटका ही देखने को मिलेगा। 3 दिन पहले एबीपी न्यूज को दी इंटरव्यू में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। लॉरेंस ने कहा था कि उसके मंसूबे सलमान के खिलाफ सही नहीं है। उसने कहा कि जिस दिन एक्टर की सिक्योरिटी हटी वो दिन सलमान के जीवन का अंतिम दिन होगा। लॉरेंस ने उस इंटरव्यू में कहा कि सलमान खान का अहंकार रावण से भी ज्यादा है। सिद्धू मूसेवाला भी इतना ही अहंकारी था। मेरा बचपन से बस एक ही गोल है और वो है सलमान खान को मारना। गैंगस्टर का कहना है कि जब मैं 4-5 साल का था तभी सलमान ने काले हिरण को मार दिया था। बिश्नोई समाज के लोग काले हिरण की पूजा करते हैं। सलमान ने अपने अपराध के लिए हमारे समाज से कभी माफी नहीं मांगी है। उसके लिए मेरे मन में बचपन से ही गुस्सा है। लॉरेंस बिश्नोई ने आगे कहा कि सलमान ने हमारे समाज को बहुत नीचा दिखाया है। हम उसका अहंकार तोड़ेंगे। अगर उसको बचना है तो हमारे समाज के सामने आकर माफी मांगे। इसके लिए उसे राजस्थान में बिश्नोई समाज के मंदिर जंभेश्वर जी में आना होगा। अगर समाज के लोगों ने उसे माफ कर दिया तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रिपोर्ट्स की माने तो सलमान खान ने 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान राजस्थान के जंगलों में काले हिरण का शिकार किया था। सलमान के अलावा सैफ अली खान, सोनाली बिंद्रे, तब्बू और नीलम कोठारी पर भी आरोप लगे थे। बिश्नोई समाज ने तब सलमान के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी। सलमान को इसके लिए जोधपुर कोर्ट ने 5 साल की सजा भी सुनाई थी। हालांकि बाद में उन्हें इस मामले में बेल मिल गई। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के सबसे खतरनाक गैंग का लीडर है। वो अपनी गैंग का संचालन अमूमन जेल से ही करता है। उसके पास महंगी पिस्तौल और बंदूकों का जखीरा भी है। 15 साल पहले अपने कॉलेज में हवाई फायरिंग करके वो अपना रुतबा कायम कर चुका है। लॉरेंस जेल में अमूमन विदेशी सिम काम में लेकर सारे मैसेज व्हाट्सएप के जरिए भेजता है। उसके पिता लवींद्र कुमार पंजाब पुलिस में कांस्टेबल के पद पर रह चुके हैं। लॉरेंस सलमान खान को उड़ाने की धमकी देकर सबसे पहले चर्चा में आया था। वो 2014 से ही जेल में बंद है। फिलहाल के इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे एक्सेस भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।